हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी दवाई एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों इसका कंपोजिशन क्या है। तो इसमें मीकोबालामिन जो है 1000 माइक्रोग्राम होता है, पायरोडॉक्सिन 100 mg होता है और निकोटिनामाइड भी इसमें 100 mg होता है। ये जो कंपोजिशन है, पर 2 ml एक जो इसका एम्पूल होता है 2 ml होता है, तो 2 ml के एम्पूल में इतनी जो कंपोजिशन है वो स्ट्रेंथ इसमें होती है। बात करते हैं दोस्तों किन कंडीशंस में ये प्रिस्क्राइब किया जाता है या किन किन पेशेंट को ये इंजेक्शन लगाया जाता है। दोस्तों, जनरल वीकनेस में इसका प्रयोग किया जाता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में इसका प्रयोग किया जाता है, अगर एनीमिया है, ब्लड नहीं बन पा रहा है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कई बार थकान होने की वजह से या जो रनिंग करते हैं, जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में वीकनेस होती है, तो उस कंडीशन में भी एक जनरल वीकनेस को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार न्यूरोपैथिक पेन इतना भयंकर होता है कि नॉर्मल पेन किलर से आराम नहीं मिल पाता, तो सपोर्टिव थेरेपी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कई बार हाथ पैरों में नंबनेस होती है, झनझनाहट या कील जैसा चुभने का आभास वगैरह होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों ये इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये कैसे लगाया जाता है इंजेक्शन। तो ये इंट्रामस्कुलर ग्लूटियल मसल में भी इसका प्रयोग किया जाता है और आई एम तो हो गया, IV भी इसका प्रयोग किया जाता है। IV मतलब डायरेक्ट नस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको नॉर्मली डाइल्यूट करने के बाद भी ड्रिप के थ्रू भी इसको दिया जाता है या फिर IV भी दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि इसका यूज आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट ही यूज करना चाहिए। स्किन पर पहले थोड़ा सा इंजेक्ट करके देख लेना चाहिए कि कहीं कोई रैशेज वगैरह तो नहीं है, क्योंकि इसके कई कॉमन साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। इसके अगर हम कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग तो इससे हो ही सकता है। कई बार जिस एरिया पर ये लगाया जाता है तो उसमें रेडनेस या रैशेज होना दिखता है, या इसके अलावा भी अगर कोई अनडिजायरेबल इफेक्ट देखने को मिलता है तो तुरंत इसको रोक देना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं क्या प्रेगनेंसी में सेफ है। वैसे तो प्रेगनेंसी में मल्टीविटामिन लगाना गलत नहीं है और कई बार डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं, लेकिन अपने मन से इसका यूज़ नहीं करना है। आपको ज़रूर पहले अपने डॉक्टर से मिल लेना है, तभी आपको इसका यूज प्रेगनेंसी में करना है। 12 साल से नीचे के पर्सन में या पेशेंट में इसका प्रयोग बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, नहीं करना होता है। अगर करना भी हो तो डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर। दोस्तों, कई बार ये जो इंजेक्शन है इसकी डोज की अगर हम बात करें तो कई बार ये इंजेक्शन पर डे यानी कि रोज का एक करीब 5 से 7 या 10 तक मैक्सिमम लगाया जाता है, और कई बार एक एक दिन छोड़ के या दो दो दिन छोड़ के भी लगाया जाता है। वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर और प्रिस्क्राइबर के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही चुके हैं, यह है न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।